खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तेजस एक्सप्रेस जैसी तेज और कई सुविधाओं से लैस ट्रेनों को लाने वाला रेलवे जालसू में स्लो क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें ही रेल सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। राजस्थान में एक स्टेशन पर आपको ले चलेंगे, वहां की कहानी दिखाएंगे, जिसके बाद आप भी घंटी बजाकर आज कहेंगे कि रेल मंत्री जी कृपया इस स्टेशन पर भी तो ध्यान दीजिए। रेल यात्रियों को ज्यादा और बेहतर सुविधा देने के लिए पिछले दो दिन में दो नई और आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन को हरी झंडी सरकार ने दिखाई। इनमें से एक देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, लेकिन इन चमचमाती तस्वीरों से अलग एक सच ऐसा भी जो सीधे रेल मंत्री से सवाल पूछने को मजबूर करता है। राजस्थान के नागौर जिले का ये जालसू नानक रेलवे स्टेशन है, जिसका चौंकाने वाला सच संवाददाता मनीष शर्मा आपको बताने जा रहे हैं। जन सहयोग से स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल चलाए जाने की बातें तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे हॉल्ट भी जन सहयोग से चल सकता है? मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के नागौर जिले के जालसू नानक रेलवे स्टेशन पर। गांव वाले इस रेलवे स्टेशन को चलाए रखने के लिए अपनी जेब से पैसा भरकर इस रेलवे स्टेशन को चलाए हुए हैं। ये बात हैरान करती है, लेकिन सच है। नागौर के जालसू नानक रेलवे स्टेशन पर रेलवे का कोई अधिकारी और कर्मचारी तैनात नहीं है। तो हम देख सकते हैं यह एक छोटा सा कमरा है, और हैरानी में डालने वाली बात यह है कि यहाँ पर टिकट देने का काम ऐसा लगता है कि 18वीं शताब्दी के अनुसार चल रहा है। सबसे अहम बात, ये जो टिकट काटने वाले व्यक्ति हैं, ये रेलवे के कर्मचारी नहीं है, बल्कि गांव वालों ने अपनी तरफ से तनख्वाह का इंतजाम करके इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। ये अलग अलग जगह की टिकट है, जिनमें जयपुर की भी है, जोधपुर की है, बीकानेर की है, इसके अलावा मकराना, डेगाना, आसपास के जितने भी इलाके हैं जहां पर पैसेंजर जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ इस तरीके की टिकटों का इंतजाम किया जाता है। जालसू नानक स्टेशन जन सहयोग से चलता है, जिसकी जिम्मेदारी आनंद सिंह ने संभाल रखी है। वो रसीद बुक के जरिए चंदा करते हैं, गांव के लोगों को ब्याज पर देते हैं, जो पैसा जुटता है उससे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे बुकिंग क्लर्क को 5,000 रुपए महीने सैलरी देते हैं और बाकी पैसा रेलवे को देकर शर्त पूरी करते हैं। रेलवे की यह शर्त है कि 1500 महीने के टिकट होने चाहिए, और टिकट का ही है उनका, अमाउंट का नहीं है उनका। बीच में 3 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था, उस टाइम रेलवे का मेड़ता रोड से बाबू आता था और यहाँ टिकट काट के फिर जाता था 3 महीना। उसके बाद ईश्वर सिंह के नाम से हमने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बाद में, क्योंकि ये वो तो थोड़े दिन में कह देते हैं कि यहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं, तो ईश्वर सिंह को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। ये पुराना सिस्टम है, न बैठने के लिए कुर्सी है। कितनी टिकटें रोज काट लेते हैं? टिकटें करीब करीब 40-45 तो कोशिश होती है। जी, आप लोग चाहते क्यों हैं कि रेलवे स्टेशन चले जब घाटे में है और आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, तो आप लोग क्यों चाहते हैं? ये हम इसलिए चाहते हैं कि आसपास के गांवों का सहयोग है, कभी भी किसी को बाहर दूर जाना पड़ता है और करना पड़ता है, ट्रेन की जरूरत पड़ती है। नागौर के डेगाना इलाके का जालसू नानक फौजियों का गाँव है। हर घर से यहाँ कोई ना कोई फौज में है। 200 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी हैं, 150 से ज्यादा लोग अभी सेना, RPF और BSF में हैं। देश की सेवा करते हैं। फौजियों को सुविधा देने के लिए 1976 में जालसू नानक रेलवे स्टेशन बना। 2005 में रेलवे ने कम रेवेन्यू के चलते जालसू नानक समेत कई स्टेशन को बंद करने का फैसला किया। तब गांव के लोगों ने आंदोलन किया, रेलवे मान गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिए। रेलवे ने ये ऑल ओवर इंडिया रखी थी कंडीशन, 50 टिकट सेल होना चाहिए, लेकिन 50 टिकट की सेल हर जगह पर लागू नहीं होती, तो यात्री सुविधा दी जाती है वो रेलवे उसमें लॉस माइनस प्लस नहीं देखती, क्योंकि जनता को सुविधा देना है। यहाँ पर बुकिंग क्लर्क लगाने से क्या, आदमी को सुविधा तो थोड़ी बहुत मिली बैठने की, लेकिन अब जब जिसको भोपाल जाना है या आगे भी कहीं जाना, उज्जैन जाना है, तो जयपुर में उतर के वो प्लेटफार्म क्रॉस करके कब टिकट लेगा? इस रेलवे स्टेशन से पूरे दिन में 10 ट्रेनों का आवागमन होता है, जो यहाँ रुकती भी है, और अगर यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की बात की जाए तो अनगिनत मालगाड़ियाँ और एक्सप्रेस ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती हैं। ये बड़ी लाइन की रेलवे ट्रैक है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जब हम रेलवे के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, रेलवे के निजी क्षेत्र को दिए जाने की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन की बात करते हैं, तब इस जालसू नानक स्टेशन पर किस तरह से टिकट करते हैं और किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को बचाया गया, ये अपने आप में एक अजब कहानी है।
यहाँ तो यात्रियों के बैठने की जगह तक नहीं थी। ये छोटा सा कमरा भी गांव ने बनाकर रेलवे को दिया, लेकिन बिजली जैसी कोई और बुनियादी सुविधा इस स्टेशन पर आज तक मौजूद नहीं। इसीलिए जालसू नानक रेलवे स्टेशन से जुड़ी जनता सीधे रेल मंत्री से अपना हक मांग रही है। हमारा स्टेशन खुला था फौजियों की सुख सुविधा के लिए, तो हम ये चाहते हैं जो सुख सुविधा के लिए हुआ तो आप देख सकते हैं अभी क्या सुख सुविधा है। स्टेशन बरकरार रहेगी तो आने जाने में बिल्कुल आसानी। रेल मंत्री ये कहना चाहते हैं कि 50 टिकट की कंडीशन हटाई जाए और यहाँ बुकिंग करके लगाया जाए, परमानेंट रेलवे का होना चाहिए ताकि उससे सुविधा हमारी ये होगी कि टिकट हर जगह के मिल जाएंगे।